बागेश्वर उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। बागेश्वर विधानसभा सीट से के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को 2810 वोटों से हराकर उपचुनाव में विजय प्राप्त की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि उनके पति स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे चहुमुखी विकास से जनता प्रभावित हुई है। सौरभ बहुगुणा ने विनम्रता से इस जीत पर बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूँ कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको उपचुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंद्रन राम दास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ